आज करनाल में संत गोपाल दास ने गौशाला संघ के बैनर तले सैकड़ों गो भक्तों के साथ गाय को बचाने व संरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संत गोपाल दास ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार से मांग की। हमारे जिले में लगभग 35 गौशालाएं काम कर रही हैं, जिसमें लगभग 50,000 गोवंश का पालन किया जा रहा है, परंतु गाय के लिए कब्रिस्तान के लिए व गौ चराने के लिए सरकार जमीन दे, गाय के मरने के बाद उसका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि की जाए, हरियाणा में गायों को राजकीय पशु घोषित किया जाए आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संत गोपाल दास के साथ आज गो भक्तों में विदेशी लोग भी शामिल थे। ज्ञापन दिया 2 मिनट का। गाय के मन की करुण गुहार सुनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ रूबरू हुए हैं। इस बात को लेके आज वामपंथी दलों और उदारवादी सरकारों की आज गौ माता की दुर्दशा को लेके आज चर्चा चरम पे है। अगर खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही पड़ता है। तो जो सरकार गाय की जो बात करने वाली और गाय का नारा देने वाली कि भाजपा का यही संदेश बचेगी गाय बचेगा देश, तो मैं आज कठिन कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि अगर वामपंथी सरकार अपने सर्वाइवल के लिए बीफ फेस्ट कर रही है, तो उससे जो उदारवादी सरकार है तो उन स्थिति में वो भी इस गुनाह में कम भागीदार नहीं है, क्योंकि बीते आज सरकार को 3 साल हो गए हैं। बावजूद इसके जो ये देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, सरकार बड़ी है या जनहित जीव हित प्रकृति और पर्यावरण बड़ा है, तो इन चीजों की अनदेखी करके ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही है कि गायें भले ही छुरी का शिकार हो गए मरे, या ऐसी स्थितियां आज पोलोथीन प्लास्टिक या कूड़ा करकट खाने को, भूख प्यास से त्रस्त ग्रस्त गायें सड़क पे लाचार घूमने को और अकाल मृत्यु मरने को मजबूर हैं, और बड़ी बड़ी बातों की डींगे हाँकने वाले सरकार के हुक्मरान आज बैठे बैठे तमाशबीन बनके गोचरान भूमि की बोली कराने के आदेश बार बार पारित करते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा अवहेलना है। इसके बावजूद अगर आदमियों के लिए घूमने फिरने के लिए पब्लिक पार्क छोड़े गए हैं, आज आदमी मून और मार्स पे जाने की बात कर रहा है, 21वीं सदी का आदमी इस बेहद जो आसानी से सुलझ सकती है इस समस्या को, मैं पूछता हूँ अगर गोचर विकास बोर्ड गुजरात में बन सकता है तो हरी भूमि हरियाणा में ये स्थिति क्यों नहीं होती? लैंड की डिमार्केशन करके और उसको फेंस करके सेंचुरी बनाने की बात 3 साल तक तो सिरे नहीं चढ़ी और ना गले उतरती है। मैं सोचता हूँ ये विकास की कौन सी दरकार है? आपकी क्या मांग है आज के लिए? क्या मेरी साफ स्पष्ट शब्दों में ये मांग है कि जो जो सरकार है वो खुला ओपन डिबेट कर ले, इसके ऊपर संवाद कर ले, कि खाली सुर्खियां बटोरना उसकी इच्छा कथनी और करने का सवाल उनके सर के ऊपर है कि 2378 करोड़ रुपए का इनलीगल ऑक्शन वसूला है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन नोटिफिकेशन के अगेंस्ट, और फिर दुआई देते हैं कि गाय को बचाने की बार बार। 30 करोड़ रुपए का बजट ड्राफ्ट किया है कुत्तों की नसबंदी के लिए, और गाय के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट ड्राफ्ट किया, ये गाय को ठेंगा दिखाने जैसी बात लगती है। तो कि गाय की गुजर बसर के लिए 10-15 पैसे पर्याप्त हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है जिसने ये बजट ड्राफ्ट किया है, कि भाई देनी आवे बनती कटावत आवे सूद, कि गाय की अगर जमीन की ऑक्शन है, पहली बात तो आप ऑक्शन करके उसको डकार नहीं सकते, तो उसकी जमीन के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करके और ये मुखौटा आप पहन के मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? मैंने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और माननीय जो डिप्टी कमिश्नर है इनके नाम ये दिया है, और ये चेतावनी के साथ ये पूरे हरियाणा में कल से प्रचंड वेग के साथ ये प्रोटेस्ट होगा कि चारागाह की मुक्ति के लिए अगर सरकार न्याय नहीं करती है और ये गोचर विकास बोर्ड बनाने की लैंड की डिमार्केशन करने की बात नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार के संवेदनहीन होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और जनता जनता है, जनतंत्र है, इसमें डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप सरकार की चलने वाली नहीं है। You're creating food forests and eco villages for people to live on big pieces of land and simply not running after money, learning to take care of the land from their hearts, not from their minds, and not competing with each other.
just everyone having space and living simply and not overproducing children, not running after things we don't need, living a simple divine Vedic life, which we have to remember. It's an intuitive knowing that we all have within us, but a lot of times schooling and all these things, it takes us out of it. We see ourselves as a separate person, and then if we see ourselves as separate, then we see everything separate. And if everything is separate, we don't feel connected. We can't take care of the land. We can't live in harmony with it. So we have to learn to step back and feel connected with everything, and create these eco-villages or open up the space where this can happen. It cannot happen in cities, I'm sorry to say. So we have to start leaving the cities little by little, and then transform the cities from the inside out. What is your name? Swami Dayashankar Ji.